तो गाइस देख सकते हैं आप, और इस समय 8 बज चुके हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं, आप कोई वेजिटेशन नहीं है, एकदम पूरा बुग्याल बुग्याल। और देख सकते हैं सामने पिंडर रिवर, और धूप भी ऊपर ऊपर आ चुकी है पहाड़ों में। देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नंदा घाट आपको दिख रही होगी, ये वाली नंदा घाट। और ये दिख चुका है हमें थोड़ा सा ट्रेल पास। दोस्तों आपने सुना होगा जो ट्रेल पास, कहीं कहीं इसे जोत भी कहते हैं, और पास एक तरफ से एक एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता कह सकते हैं। जैसे ये ट्रेल पास है, तो ये ट्रेल पास जो दरा है, जो रास्ता है, जो जोत है, वह बागेश्वर से पिथौरागढ़ के बीच है। तो जो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और जो दादा हैं साथ में, वो बता रहे थे कि काफ़ी लोग करते भी हैं इसे। और देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा इस समय। तो गाइस ये है बढ़िया सा, तो आप बने रहें हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए एक बार, शानदार व्यू, बेहतरीन। तो आगे मिलते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। हेलो, तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करता हूँ कि सारे मस्त होंगे। और आज पिंडारी ग्लेशियर का एपिसोड 3, Day 3। तो गाइस हम हैं फुरकिया में, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है, काफ़ी ठंड हो रही है, इसीलिए आप देख रहे होंगे हमने टोपी वगैरह, जैकेट वगैरह पूरा एकदम पूरा पैक हो रखा है, क्योंकि सामने से जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। और तो कल रात काफ़ी लेट पहुँचे यार, उसके बाद फिर ऐसे ही हो गया, फिर हमने खाना वगैरह खाया यहीं KMBN के गेस्ट हाउस में। और तो उसके बाद खाना खाने के बाद सो गए थे जल्दी ही। आज सुबह का प्लान था कि 5:30 पे जाएंगे ऊपर जाकर थोड़ा सनराइज़ वगैरह देखेंगे, तो थोड़ा बहुत ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड थी, और साथ के जो हमारे दोस्त लोग थे, तो थोड़ा सा ऐसे ही हो गया। तो अब निकल रहे हैं अभी यहाँ से, हम 6 बज रहा है, तो 6:15 तक, 6:10 तक निकलते हैं, चाय वगैरह पी ली बढ़िया से। और एक बार मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा लेता हूँ, ये देखिए आप, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही आप फुरकिया में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बैठने के लिए व्यवस्था भी है, और इस तरीके से यहाँ पर जगह जगह बोर्ड भी लगाए हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। और इस तरीके से यहाँ पर KMBN के जो गेस्ट हाउस बने हुए हैं, इग्लू टाइप, यहाँ पर ये 2 बने हुए हैं, एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और एक यहाँ पर बना हुआ है। तो हम अपनी बात करें, तो हम रुके थे यहाँ पर, हम रुके थे इस वाले गेस्ट हाउस में, इस वाले में, यहाँ पर डॉलमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं, आप रुक सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप, फुरकिया यहाँ से 0, पिंडारी 7, पिंडारी आगे के लिए है, बाकी द्वाली ये नीचे खाती 15। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, और ये हमारे अक्षय भाई, ये उठ चुके हैं। अक्षय भाई, हाउ वाज योर डे? इट वाज गुड। तो ये अक्षय भाई हैं, ये भी तैयार हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिलेगा आपको, यहाँ पर मैगी वगैरह, चाय वगैरह खाने की उचित व्यवस्था है, बाकी ये देख सकते हैं। और तो गाइज यहाँ पर जो KMBN के गेस्ट हैं, वहीं पर यहाँ खाने की भी उचित व्यवस्था है, यहाँ पर यहीं आपको खाने को मिलेगा। और तो गाइज यार, सनराइज तो हो चुका है ग्लेशियर में, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ मैं एक बार, शानदार नज़ारा। ये है हमारे, खाने के लिए डाला कुछ? खाने के लिए कुछ नहीं डाला है। ये है शर्मा जी, और ये है मैडम, तो ये देख सकते हैं आप। हाँ जी, हाँ आ गया आ गया। तो गाइस जी देख सकते हैं आप, और आपको मैं शानदार नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस आप, पिंडारी 7 किलोमीटर, और ये देखिए ग्लेशियर में हो चुका है सनराइज, और आने वाला ज़बरदस्त मज़ा, ये देख सकते हैं आप। वाह, ये यहाँ पर फुरकिया से ये व्यू आता है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस मैगी खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ, तो आप बने रहे मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी हल्का उतना उजाला नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो की जो क्वालिटी है उतनी क्लियर नहीं आ पा रही होगी, तो आप बने रहें, आगे आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहें आप। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर, एक यहाँ पर एक पीछे से बना हुआ है, तो यहाँ पर टोटल ये 3 बने हुए हैं, 2 तो चालू हैं, बाकी एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आप यहाँ पर आते हो, आपको यहाँ पर रहने की व्यवस्था मिल जाएगी इनमें। और ये देख सकते हो आप, ये है पूरा रूट आगे के लिए, तो चलते हैं, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो मिलते हैं आगे।
तो गाइस थोड़ा सा आगे आने पर पीडब्ल्यूडी और एडीबी वालों के द्वारा बोल्ड जगह जगह लगे हुए हैं, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो अगर आप थक जाते हैं ट्रैक में तो हौसला ना हारें, चलते रहें, निश्चित ही आपकी जीत जरूर होगी। और रास्ता देख सकते हैं फिर से, और साथ ही यहाँ पर एक फिर से गदेरा क्रॉसिंग का एक बार शानदार नज़ारा देख सकते हैं आप। और काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो ठंडा होना तो जायज़ सी बात है। ये देखिए अमेजिंग। तो भाई ये देख सकते हैं आप, जो छोटा सा गदेरा गहरा था मैं उसको क्रॉसिंग करने का काफ़ी शानदार नज़ारा इस समय आप देख सकते हैं। तो इस तरीके के आपको पूरे रास्ते में बहुत दिखेंगे, ये देख सकते हैं आप। तो काफी शानदार नजारा इस समय। ये देख सकते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आगे आने पर देख सकते हैं आप बुग्याल का काफी शानदार नजारा। इस बुग्याल का नाम है गुजियाणी बुग्याल। तो आप देख सकते हैं काफी शानदार नजारा, और साथ में ये है हमारी पिंडर रिवर, और देख सकते हैं ग्लेशियर का व्यू अमेजिंग, एकदम देखने लायक है, बेहतरीन मज़ा आ रहा है। तो आप दीदार करिए और चलते रहें आगे, आगे काफ़ी मज़ा आने वाला है। और ये देख सकते हैं यार यहाँ पर एक छोटा सा हट भी बनाया हुआ है, वाह बेहतरीन। भैया इसमें रहते हैं क्या लोग? अच्छा भेड़ वाले। तो गाइस यार जो ये वाला दिख रहा है ना हट, इसमें भेड़ मतलब इनकी भेड़ें तो यहाँ रहती होंगी, पूरी इस एरिया में चरती होंगी, तो ये यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कितना बेहतरीन नज़ारा है। तो ऐसे ही काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप बस बने रहिए और आनंद लें इस पूरे ट्रैक का। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आखिरी ही पड़ाव है जिसमें आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, बुरांस के यह पेड़ बुसी फॉर्म में है यहाँ पर, इस तरीके से देख सकते हैं। और आगे उसके बाद कोई वेजिटेशन नहीं है, पूरी मेडोज यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि जो यहाँ की ट्री लाइन और टिम्बर लाइन है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। यह बुशी फॉर्म में इस समय बुरांस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि धीरे 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 ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता, और साथ ही इसके बाद अब आपको कोई भी वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगी, पूरा एकदम देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बेहतरीन व्यू और काफ़ी शानदार नज़ारा। तो आप बने रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। गाइस ये आप देख सकते हैं अब रास्ता एकदम पूरा सिंपल सा है बुग्याल का रास्ता, और ये देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे झरने के दीदार होंगे इस रास्ते में। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला झरना ये है, बाकी इसके बाद इधर पर है, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा, और साथ में नंदा घाट का बहुत शानदार नज़ारा और बेहतरीन नज़ारा, मज़ा आ गया। और ये देख सकते हैं आप जबरदस्त। तो भाई जी देख सकते हैं आप लगभग आधा रास्ता तय हो चुका है, और आप देख सकते हैं रास्ता किस तरीके से है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट टाइम पिंडारी ग्लेशियर का यही है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर इतने सारे पुलिया हैं, इतने सारे गदेरे आते हैं पूरे रास्ते में, मुझे नहीं लगता है कि वो उस सीजन में आपको पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अप्रैल मई दो महीना, और यहाँ अक्टूबर, तो ये 2-3 महीने पूरे सेफ हैं। अगर आपको बहुत इजीली ट्रैक करना है तो आप आ सकते हैं, काफ़ी शानदार नज़ारा। और ये देख सकते हैं आप नंदा घाट, जय माँ नंदा देवी, नंदा घाट का फिर से एक बार शानदार नज़ारा, जय माँ नंदा देवी। तो गाइस देख सकते हैं बुग्याल में, बुग्यालों में आपको इस तरीके से
जो ये घास दिखती है ये बुग्यालों को चार चांद लगा देती है एक तरफ से। देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा, बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है। और ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से अभी लगभग 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक और बचा हुआ है, तो आप बने रहे हैं, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। और आप ये लीजिए, आनंद लीजिए इस व्यू का जो कि बहुत बेहतरीन दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए गाइस, ज़बरदस्त। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से है खतरे में जान, पर्यावरण की रक्षा करना है सब किसान। तो गाइस अगर आप लोग आते हैं तो इस तरीके का पूरा ख्याल रखें कि आप अगर रास्ते पूरे ट्रैक में जो कुछ भी खाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, प्लास्टिक के रैपर्स हो गए, तो आप उन्हें अपने साथ ही ले जाने की कृपा करें। और जो यहाँ पर छोटी छोटी जगह हैं जैसे द्वाली फुरकिया, तो आप यहाँ तक कैरी करके रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको डस्टबिन देखने को मिल जाएंगे, और तो आप वहाँ पर रख सकते हैं। ऐसे ही रास्ते में ना फेंकें क्योंकि इनसे यहाँ पर हमारे ग्लेशियर को काफ़ी नुकसान होता है। कहीं ना कहीं यह एक ये कह सकते हैं कि खतरे की घंटी हो सकती है आने वाले समय में, अगर इस तरीके से अगर हम सभी लोगों ने अगर लापरवाही करी तो। इसका एक विशेष ध्यान रखें। बाकी नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन नज़ारा, ज़बरदस्त शानदार जी, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार नज़ारा एक बार फिर से। और जो आपको यहाँ पर ही दिख रही है थोड़ा सा गुफा टाइप, इसको यहाँ पर कहते हैं बनियार गुफा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा, ये देख सकते हैं, ये पूरी अंदर को पूरा एकदम गुफा है। और शानदार वहाँ पर वाटरफॉल देख सकते हैं आप बेहतरीन तरीके से। और ये देख सकते हैं आप नंदा घाट, और करीब पहुँच चुके हैं हम, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और जल्द ही पहुँचने वाले हैं, तो आप बने रहें, काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा रूट है, पूरा रूट है, तो बने रहें आप। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी शानदार नज़ारा, ज़बरदस्त, साथ में वाटरफॉल के साथ नंदा घाट, ज़बरदस्त। तो गाइस देख सकते हैं आप, अभी यहाँ से यार अभी 5 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है, पर लेकिन आप भी देख सकते हैं यहाँ पर गुफा बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर कितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है और शानदार नज़ारा। तो ये पूरा एकदम गुफा बनी हुई है, जो हमारे साथ जो यहाँ के गाइड हैं अनु भाई, वो बता रहे हैं कि ये पूरी एकदम जो ये पूरा एरिया है यहाँ पूरा एकदम बर्फ़ से पूरा फुल रहता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रास्ता, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर ही काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता होगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं गाइस काफ़ी शानदार नज़ारा यहाँ पर, और सामने माँ नंदा देवी। तो आप दोस्तों बने रहे मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं, एकदम बर्फीली हवाएं यहाँ पर एकदम चेहरे को ऐसे छू रही हैं कि मानो कि एकदम बर्फ़ छू लिया हो एकदम चेहरे पर। तो आप देख सकते हैं रास्ता इजी है, फुरकिया के बाद मुझे कहीं भी ऐसा दिक्कत नहीं हुई कि आप ट्रैक को टप कह सकते हैं। तो अभी बस सभी सीधे ही आगे 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 आगे, ये देख सकते हैं यहाँ तक निकलना है, तो आप बने रहिए, आगे मिलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, लगभग अभी आधा रास्ता और है और हम आए हैं यहाँ से, और देख सकते हैं आप काफ़ी शानदार नज़ारा। और ये देख सकते हैं पिंडर रिवर, और अभी भी आधा रास्ता और बचा हुआ है और टाइम हो रहा है 7:30, लगता है कि 8:30 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा बहुत गर्मी तो बॉडी में हो ही रही, पर लेकिन जो बर्फीली हवाएं चेहरे को, आंखों को और हाथों में जो लग रही है वो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है, पर लेकिन थोड़ी सी ठंड भी लग रही है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी शानदार नज़ारा इस समय, ज़बरदस्त। ये देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप, थोड़ा सा
फिर से एक बार थोड़ा सा ज़बरदस्त रास्ता है यहाँ पर। ऐसे रास्ते को अगर आप पार करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और थोड़ा सा मज़ा भी आता है। और यार दोस्तों, जब तक लाइफ में रिस्क ना हो और ट्रैक में भी रिस्क ना हो तो फिर तक ट्रैक का मज़ा ही कहाँ आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पिंडारी का जो ट्रैक है, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं यही कहूँगा कि रिस्क के साथ साथ काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो आप लोग ज़रूर एक बार लाइफ में पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक ज़रूर करें। और ये देख सकते हैं आप, ये पल्ली पार जो आपको ये छोटे छोटे बुग्याल दिख रहे हैं, यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं उनके घोड़े खच्चर वगैरह यहीं चरते हैं। बाकी जो बकरियाँ होती हैं इनके पास, भेड़ वगैरह, वो ऊपर जो बुग्याल होते हैं। दादा बुग्याल का ऊपर नाम क्या था, मैकतोली? हाँ, जैसे कि वो बोलते हैं, दुबड़िया बोलते हैं, बुग्याल, दुबड़िया बुग्याल। अच्छा, दुबड़िया बुग्याल ना, और दुबड़िया बुग्याल, और ये जैसे कि वो बोलते हैं तो पलटा। अच्छा, तो ऊपर तो मतलब यहाँ जो कह रहे हो इस बेल्ट में आप, यहाँ घोड़े खच्चर वगैरह रहते हैं ना। हाँ। तो आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर रहने के लिए भी ना लोगों ने बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे आपको हट टाइप दिख रहे होंगे। तो ये है इस तरीके से। बाकी जो घोड़े खच्चर, जो भेड़ वगैरह होती हैं, वो और ऊपर बुग्यालों में जाती हैं। और आप एक बार देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ज़बरदस्त। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, बस बने रहे हैं आप और काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस देख सकते हैं आप, और इस समय 8 बज चुके हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं आप, कोई वेजिटेशन नहीं है, एकदम पूरा बुग्याली बुग्याल। और देख सकते हैं सामने पिंडर रिवर, और धूप भी ऊपर ऊपर आ चुकी है पहाड़ों में। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये नंदा खाट आपको दिख रही होगी, ये वाली नंदा खाट। और ये दिख चुका है हमें थोड़ा सा ट्रेल पास। दोस्तों आपने सुना होगा, जो ट्रेल पास कहीं कहीं इसे जोत भी कहते हैं, और पास एक तरफ से एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक जगह से दूसरी जगह का रास्ता कह सकते हैं। जैसे ये ट्रेल पास है, तो ये ट्रेल पास जो दरा है, जो रास्ता है, जो जोत है, वह बागेश्वर से पिथौरागढ़ के बीच है। तो जो काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर, और जो दादा हैं साथ में, वो बता रहे थे कि काफ़ी लोग करते भी हैं इसे। और देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा इस समय। तो गाइस ये है बढ़िया सा, तो आप बने रहें हमारे साथ, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये देखिए एक बार, शानदार व्यू, बेहतरीन। तो आगे मिलते हैं, आप बने रहें हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं आप, काफ़ी शानदार नज़ारा एक बार फिर से। आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, अगर आपका जूता गीला हो गया तो फिर बड़ी मुश्किल है। काफी शानदार नजारा, काफी बेहतरीन। तो गाइस जगह जगह बहुत दुनिया भर के गधेरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए दोस्तों नज़ारा, देखिए काफ़ी शानदार नज़ारा। काफ़ी बेहतरीन। तो बने रहें गाइस, मिलते हैं आगे। तो गाइस यार, काफ़ी थोड़ी सी थकान सी हो गई थी, थोड़ी सी चढ़ाई यहाँ पर है। और इस समय आप देख सकते हैं
हमारा जो रूट है वो छूट चुका है, वो नीचे, काफ़ी नीचे। अगर इन केस वो देख सकते हैं, मतलब हमारे जो साथी लोग जा रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पर ये वाला रूट है, तो हम थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं। ऊपर आने की कोई खास वजह, यह है कि हमने यहाँ पर देखी बर्फ़ की चट्टान। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस चट्टान को देखने के लिए आया नीचे से, और मैंने कहा अपने दर्शकों को इससे ज़रूर रूबरू कराता हूँ। तो आप बने रहे मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। और आप एक तरफ से चारों तरफ का शानदार नज़ारा देख सकते हैं, पीछे काफ़ी धूप लगी है उस वजह से ये देख सकते हैं, काफ़ी थोड़ी सी ठंड भी है और बर्फीली हवाएं एकदम चेहरे पर लग रही हैं। तो अभी आप बने रहें, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का, ये देखिए आप। तो गाइस देख सकते हैं आप पीछे बेहतरीन चट्टान और यहाँ पर पूरी बर्फ़ की चट्टान। तो मैं आपको थोड़ा पास लेकर चलता हूँ, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अगर इस तरीके से ट्रैक में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें आएंगी तो फिर तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना मज़ा आएगा। देख सकते हैं आप, काफ़ी करीब पहुंच चुका हूं, एक तरफ से स्नाउट का जैसा लग रहा है एकदम। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो गाइज ये थी, और बाकी अभी हमारा जो ट्रैक बचा हुआ है वो थोड़ा और बचा हुआ है आधे किलोमीटर का, बाकी हमारे साथी अभी आ रहे हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और आप नज़ारा देखिए बेहतरीन। तो मिलते हैं आगे, आप बने रहें हमारे साथ। तो गाइज यार आइस केप देख कर काफ़ी मज़ा आया, मैं तो छू के भी आया, पर लेकिन थोड़ा अंदर गया, पर लेकिन थोड़ा सा डर लग रही थी, पर लेकिन थोड़ा सा मज़ा आ गया ज़बरदस्त। अब जा रहा हूँ नीचे को और फिर मुलाकात करते हैं आगे की ओर के लिए, आगे के ट्रैक के लिए चलते हैं। रास्ता काफ़ी थोड़ा सा पूरा पत्थर पत्थर वाला है, बाकी आपसे मुलाकात करते हैं सीधे आगे। तो आप बने रहें हमारे साथ और एक बार फिर से आइस केप का शानदार नज़ारा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मज़ा आ गया यार।